तो हमने राउटर पूरा पढ़ लिया, राउटर का पैकेट फ्लो सीखा, थ्योरी सीखी, सब कुछ सीखा, ये सर? नो जी सर, जी सर, जी सर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम बता देता हूँ। टॉपिक का नाम क्या है देख लीजिए, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। अब आएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लियर है? जी सर। आज सिर्फ थ्योरी पढ़ना, कल के लिए प्रैक्टिकल रखेंगे और ओके देखिए सर, आज थ्योरी भी कितना कर सकते हो। तो ओके ओके बेसिकली सर। आईपी एड्रेस क्या होता है? देखो आईपी का मतलब होता है इंटरनेट इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, ठीक है? और एड्रेस क्या है आपका? एक लॉजिकल नंबर। ये क्या आपका? एक लॉजिकल नाम। लॉजिकल नंबर। क्रैक हो गया ना पूरा? अब देखो जी सर। बेसिकली जो आईपी एड्रेस होता है वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होते हैं IPv4, जी सर। एक होते हैं आपके IPv6। अब IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है? IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है? एक सेकेंड रुकिए। IPv4 और IPv6 में डिफरेंस क्या है? देखिए बेसिकली हम पहले क्या पढ़ेंगे IPv4 के और देन हम क्या पढ़ेंगे IPv6 के बारे में। अभी के लिए हमें सिर्फ IPv4 पे ध्यान देना है। किस पे? IPv4 पे। चलो IPv4 के बारे में बता देता हूँ। IPv4 को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और एक होता है वर्जन 6, क्लियर है? अब देखो IPv4 में एक और बात याद रखनी है आपको। एक्चुअली ये कैसे एड्रेस होते हैं आपके? लॉजिकल। लॉजिक, क्लियर है? एक और बात याद, IPv4 एक्चुअली किस फॉर्म में मिलते हैं आपको, कैसे मिलते हैं? न्यूमेरिकल। नंबरिकल। चलो IPv4 प्रोवाइड किसने करे भाई? प्रोवाइडेड बाय आईना, ठीक है IPv4। अब याद रखना एक आईपी का एड्रेस का जो साइज होता है टोटल साइज वो कितना होता है? 32 bits। 32 bits। 32 bit का मतलब कितने बाइट? 4 byte। 4 byte, क्लियर है? चलो ओके। फोर फोर से। अब देखो एग्जांपल के लिए कैसे दिखता है IPv4। 1 dot एग्जांपल दिखाना है ना, फॉर एग्जांपल याद रहेगा आपको। जी सर। फॉर एग्जाम्पल 1.0.3.4 दिख रहा है? कितने जी बॉक्स सर, हैं? 4। फोर बॉक्स है, क्लियर है? चलो जी सर। IPv4 में इनको बोला जाता है फोर ओके ऑक्ट, क्लियर है? ओके सर। IPv4 जो 1 octet होती है उसका साइज होता है 8 bit, यानी आठ 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 हो गए। 32। चलो IPv4 को अगर आप एक ऑक्टेट में कितनी बिट है? 8। एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, फॉर्मूला 2 की पावर 8 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 256। अब देखो अब इस 256 को IPv4 में जी सर। 1 octet में कैसे रखा गया? जो इसकी रेंज थी एक ऑक्टेट में कहां से कहां तक जा सकते थे? 0 से 255 तक जा सकते हैं। कितना आ सकते हैं? 0 से 255। अब जो IPv4 थे उनको डिवाइडेड करा गया था, डिवाइडेड इनटू क्लास। किसमें डिवाइड करा गया था? क्लास में। क्लास में एक और बात याद रखो IPv4 में क्लासेस होते हैं। क्या होती है क्लासेस? कैसे दिखते हैं भाई क्लासेस? देखो ए बी यहाँ पे क्लास लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसकी रेंज। रेंज। चलो देखो अब पहले जो क्लास आती है वो कौन सी होती है? क्लास ए। क्लास ए की जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 170। क्लास 128 से 191। केस 223। क्लास डी 224। 239। 224 से 239।
ओके सर, क्लास ए भी हो गया अब आपकी 240, 255 हो गया। अब देखो याद रखना जी सर, क्लास ई ये किसके लिए रिजर्व है? प्रोग्राम रिसर्च पर्पस, क्लियर है? रिसर्च। क्लास डी रिजर्व मल्टी का, मल्टी कास्टिंग। अब देखो मल्टी कास्टिंग वन टू मेनी सर, यस सर। हाँ बिल्कुल, एक दो तीन, ये तीनों क्लास क्या है? यूज इन यूज, ये क्लास डी भी इन यूज है, बताऊंगा सीसीएनपी जब पढ़ेंगे आप लोग, क्लियर है? अब देखो कुछ रिजर्व एड्रेस होते हैं, किसकी बता रहा हूँ? रिजर्व एड्रेस तो आप पहले जाना क्लास ए में, क्लास ए में जो जीरो नंबर की रेंज है वो किसके लिए रिजर्व है? डीएससीपी, रिजर्व फॉर डीएससीपी प्रोसेस। क्लास ए में ही चले आना दोबारा से 127, लूपबैक, लूपबैक, और इसको क्या बोल सकते हो आप? फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग एनआईसी कार्ड, कौन से कार्ड के लिए? एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड का मतलब बताया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बहुत बढ़िया, पढ़ रहे हैं आप अब। चलिए अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? या तो लैन, यस, या तो वैन, वैन, ठीक है, चलो ओके। अब बात समझो दूसरी, अब जो वैलिड रेंज बचेगी क्लास ए में कौन सी होगी? 126, ठीक है भाई, चलो ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू आइडेंटिफाई विच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस, है ना, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो अगर मैं पूछूं ये कौन सी क्लास का है, ए क्लास, बहुत बढ़िया, 125, हाँ जी क्लास है सर, बहुत बढ़िया, ये कौन सी क्लास? ए सर। ये कौन सी क्लास? बी सर। बहुत बढ़िया, ये कौन सी क्लास? बी। ध्यान से देखिए 199 है सर, सॉरी 129 लगा सर मुझे, सी क्लास सर। बहुत बढ़िया, अगर किसी ने पूछ लिया ये कौन सी क्लास है? 1.128.192.23 ए क्लास सर। कैसे चेक करोगे? इस फर्स्ट लेटर, बिल्कुल बताया था ना मैंने आईपी ओएसआई में जी सर, देखना है ऑलवेज चेक फर्स्ट लेटर, फर्स्ट ऑक्टेट कितनी वैल्यू? 0 to 255, क्लियर है, उससे पता चल जाएगा। अब दूसरी बात समझो, आईना क्या था, इंटरनेट असाइन नंबर ऑफ अथॉरिटी, इसने क्या बोला? इसने दो इंफॉर्मेशन दी, हाउ मेनी ऑक्टेट फिक्स फॉर नेटवर्क, हाउ मेनी ऑक्टेट फ्री फॉर होस्ट, होस्ट एंड क्या बताया, टोटल आईपी
एड्रेस बाय डिफॉल्ट कितने मिलते हैं, है ना। ओके सर, कुछ ऐसे ही सीखना है, मैं तीनों चीजें एक टेबल बना लेते हैं बहुत बढ़िया वाली। ओके सर, टेबल है। अब इस टेबल में इंफॉर्मेशन फिल करो, पहले क्या लिखेंगे हम, पहले क्या समझेंगे यहाँ पे, क्लास क्लास, फिर उसकी क्या लिखेंगे, रेंज रेंज, फिर हम लिखेंगे नेटवर्क वाली ऑक्टेंट जो क्या होगी फिक्स, फिर क्या लिखेंगे होस्ट, होस्ट ऑक्टेंट जो क्या होगी फिक्स, फ्री, क्या होगी फ्री, फ्री, फिर क्या लिखेंगे टोटल आईपी एड्रेस, ठीक है। तो वन बाय वन करके लिखना है, बहुत सिंपल है, देखो आप ही बना दोगे, दो मिनट लगेंगे। क्लास ए से उठा लिया, रेंज क्या थी, एक से लेके 126। अब नेटवर्क की ऑक्टेट कितनी रखता है भाई, देखो जो रेड मार्कर से वो क्या होंगे फिक्स, एक दो, कितनी ऑक्टेट दिखा रहा हूं मैं ऐसे करके, दो आ रही है, अगर मैंने एक लिखा तो एक ऑक्टेट, तो हमेशा याद रखना नेटवर्क के लिए ऑक्टेट कितनी फिक्स है, एक, वन ऑक्टेट, वन ऑक्टेट फिक्स, फिक्स में। और होस्ट के लिए कितनी है, थ्री ऑक्टेट, ठीक है। अभी के लिए क्लास बी में आ जाओ, क्लास बी में कितनी ऑक्टेट फिक्स करी बाय डिफॉल्ट, 128 से 2 ऑक्टेट, ओके, 2 ऑक्टेट फिक्स करी, ओके सर, 2 ऑक्टेट क्या कर दी, फ्री, फ्री, 192.1 to 223 3 ऑक्टेट, अब देखो कैसा, जब तीन ऑक्टेट की बात आए तो एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है, 8 बिट, तो 2 की पावर 24, तीन ऑक्टेट का मतलब 24 बिट, जी सर, ऑक्टेट का मतलब 2 की पावर 16, एक ऑक्टेट का मतलब 2 की पावर 8, ठीक है, 256,65,536, 16777216, ठीक है, इतने आएंगे, ओके सर, ये क्या आ गए टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस, हमने ऑक्टेट देख ली, जी सर, नेटवर्क देख लिया, होस्ट देख लिया और टोटल देख लिया। चलो अब देखो एक और बात समझो, आईना ने एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, कौन सी, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क, एक्चुअली होता क्या है ये, किस लिए होता है, डिफॉल्ट विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग, विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क नेटवर्क एडमिन गेट, नेटवर्क एडमिन गेट डिटेल्स, हाउ मैनी ऑक्टेड यूज होस्ट, क्या मिल जाती है उसको, कितने होस्ट, होस्ट एंड नेटवर्क्स, ठीक है। अब देखो कैसे करनी है, वही बॉक्स बनाऊंगा दोबारा से, सिंपल है, पहले क्या लिखना है हमें, क्लास रेंज, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं ऑक्टेट, किस किस की, ऑक्टेट नेटवर्क, होस्ट, होस्ट, और यहां पे क्या लिखोगे आप, डिफॉल्ट सबनेट मास्क, चलो लो भाई फुल कर लो आप अपने हिसाब से, पहले किसमें गए,
क्लास है एक से लेके वन से ले आगे कितनी ऑक्टेट फ्री होती है? 126 वन ऑक्टेट फिक्स होती है नेटवर्क के लिए जी सर, और तीन ऑक्टेट किसके लिए होती है? और थ्री फ्री होस्ट के लिए। ठीक है, एक एन से और तीन एस से। देखो एक ऑक्टेट अगर फिक्स है तो उसका मतलब होता है 255 तक जाएगा वो लास्ट, और तीन ऑक्टेट फ्री है तो उसका मतलब क्या लिखना है? 0000 हो गया। चलो अब क्लास बी टू नेटवर्क 128 से 191 कितने नेटवर्क के लिए ऑक्टेट है? टू नेटवर्क हो गया टू होस्ट। आ गया भाई। देखो आप एक और बात समझो, क्लास सी 192 एक दो तीन एक हो गया। चलो ठीक है, चलो अब बात समझो दूसरी। अब क्या होता है देखो, आईना दोबारा है, इसने दोबारा इन्फॉर्मेशन दिया आपको। ओके सर, क्या बताए? आईना टू टाइप्स ऑफ एड्रेस, कौन कौन से टाइप्स के एड्रेस थे? रेंज था सर, टाइप्स दो तरह का, IPv4 प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक, अब प्राइवेट और पब्लिक में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। पहले ले लेते हैं प्राइवेट। ये किस लिए यूज होते हैं? दिस टाइप ऑफ IPv4 एड्रेस यूज इनसाइड लोकल एरिया नेटवर्क। कहाँ पे यूज होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ दिस IPv4 एड्रेस एड्रेस नेवर इंटरनेट सर्विसेज क्या यूज नहीं कर सकते? ये वाले एड्रेस क्या यूज नहीं कर सकते इंटरनेट सर्विस को? क्लियर है? अब कौन कौन से होते हैं भाई? देखो क्लास ए में जाना, क्लास ए में जो एड्रेस स्टार्ट होगा 10.0.0.0 से वो क्या होगा? प्राइवेट। क्लास बी में जाना 172.16.0.0/12 ये किसका है? क्लास बी। क्लास सी 128.0.0/16 ये भी क्या है? प्राइवेट। ये सारे क्या है? प्राइवेट। ये फ्री है, ये कैसे है आपके लिए? फ्री, नो नीड टू परचेज। अब एक और एड्रेस होते हैं आपके पास, कौन से वाले? पब्लिक IPv4 एड्रेस। ठीक है, अब ये किस लिए यूज होते हैं? बात समझो, दिस टाइप ऑफ IPv4 एड्रेस यूज लैन
when pen both side because this type address use इंटरनेट सर्विसेज क्या यूज कर लेते हैं ये इंटरनेट सर्विसेज अभी कौन से होते हैं देखो क्लास ए में जाना एक से लेके नौ तक और उसके बाद 11 से लेके 126 क्लास बी में 128 से लेके 191 तक क्लास सी 190 ओके ले रहे ओके इनके स्टार्टिंग में 1 आए 9 आए 2 आए 3 आए वो प्राइवेट नहीं है वो क्या है पब्लिक उनको क्या करना पड़ेगा आपको परचेस क्या करना पड़ेगा परचेस अब देखो बात समझो दूसरी एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप हो सकता है ये एक होम यूजर हो सकता है या स्मॉल ऑफिस हो सकता है ठीक है कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से क्या होता है बात समझो जैसे एक यूजर है यहाँ पे 1 यूजर 2 यूजर 3 यूजर 4 यहाँ पे कुछ मोबाइल फोन्स कनेक्टेड है ओके सर ठीक है कुछ सर्वर लगे हुए हैं यहाँ पे ओके सर और कुछ यहाँ पे जो है ना अपने लैपटॉप के साथ बैठे हुए हैं जी सर ठीक है अब इन सबको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए मैंने क्या लगा दिया स्विच सबको मिल रही है कनेक्टिविटी ओके सर भाई ये लो कनेक्टेड है अब स्विच को किससे कनेक्ट कर दिया ESP आउटर राउटर को ISP से अब याद रखना ये वाला इंटरफेस कौन सा होगा लैन लैन ये वाला कौन सा होगा वैन लैन अब नेटवर्क इंजीनियर लैन के लिए क्या ले रखे हैं प्राइवेट उसने बोला भाई 192.168.0.0 वाली सीरीज है स्लैश वैल्यू 200 स्लैश वैल्यू 24 कितनी है स्लैश वैल्यू 24 बताऊंगा कैसे यूज होता है लेकिन अभी के लिए याद रखना है okay, उसने बोला जो वैन है वहां पे मैंने एक नेटवर्क ले रखा है 12.0.0 स्लैश वैल्यू इज 30 12 पब्लिक नेटवर्क है प्राइवेट है सर पब्लिक है सर पब्लिक है और 192 वाला प्राइवेट है प्राइवेट है अब देखो अब इस यूजर को आईपी मिल गई होगी इसको मिली सपोज करो .1 .2 .3 .4 .5 .6 7 8 9 10 मिल गई जी सर एक आईपी इसको भी मिल गई ओके सर अब क्लास सी में टोटल एड्रेस कितने थे 24 256 और यूजर कितने मेरे पास अभी 10 यूजर हैं 10 टोटल एड्रेस कितने हैं टोटल 256 बच्चे कितने देने के बाद भी 246 अब मोहल्ले में .1 को .10 से बात करनी थी अगर इसके आरपे टेबल में एंटर नहीं हुई तो ये क्या भेजेगा इधर आएगा इधर 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 और ये बचे हुए 246 में भी जाने के लिए तैयार है ये सुनो यानी आपके स्विच पे दो इशू आने लगे पहला एक तो हो गया इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा जी सर दूसरा बैंडविड्थ का इशू आ सकता है तीसरा नेटवर्क में कंजेक्शन हो सकती है और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट आईपी एड्रेस क्या कर दिया आपने वेस्ट कितने आईपी एड्रेस वेस्ट करे 246 अब इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है टॉपिक
टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम नेक्स्ट? सबनेट मास्क। टॉपिक क्या पढ़ने वाले हम? सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या पढ़ेंगे? सबनेटिंग। एक्चुअली सबनेटिंग होती क्या है पहले ये समझो। जी सर। इन दिस फीचर नेटवर्क एडमिन ब्रेक बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। ब्रेक कर देता है बिग नेटवर्क इनटू स्मॉल नेटवर्क। स्मॉल नेटवर्क्स। क्लियर ना? ओके सर। विद द हेल्प ऑफ सबनेटिंग नेटवर्क इंजीनियर सेव आईपी। सेव कर देता भाई। ठीक है। अब देखो जो मैं सबनेटिंग पढ़ाऊंगा वो बहुत सिंपल होगी, याद रखना। सिर्फ आपको उसका रोल फॉलो करना है। ये रोल आपको मिलेगा ही नहीं कहीं, ये मेरा रोल है, मैंने ही बनाया। ओके सर। रूल को फॉलो करोगे सबनेटिंग टिप्स पे आ जाएंगे। 5 मिनट में आप पूरी क्लास की सबनेटिंग सीख सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा आपको। पहला स्टेप होता है आपका डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी यानी आपको डेसिमल से किसमें कन्वर्ट करके देना है उसको? बाइनरी में। दूसरा, जब ये हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगी? बोरो बिट। यानी आप बाइनरी करने के बाद क्या निकालोगे? बोरो बिट, यानी उधारी पे कुछ बिटे लोगे। थर्ड क्या करना है? आपका जो डिफॉल्ट सबनेट सबनेट मास्क है, क्या जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है उसको आप कन्वर्ट किसमें करोगे? कस्टम सबनेट मास्क अपना बनाओगे। डिफॉल्ट से किसमें बनाओगे? अपना कस्टम सबनेट मास्क। ठीक है ना? कि मुझे अब डिफॉल्ट में 256 एड्रेस वेस्ट नहीं करने। फोर्थ में क्या करोगे? इंक्रीमेंट बिट। क्या निकालोगे? इंक्रीमेंट बिट। चलो फिफ्थ में क्या करोगे? ब्लॉक साइज। अब इस ब्लॉक में ही सारा प्रोसेस होता है। इसमें क्या मिलेगा आपको? पहले नेटवर्क नेटवर्क एड्रेस। दूसरा क्या मिलेगा? वैलिड आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस। तीसरा क्या मिलेगा? ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब पढ़ो फॉर्मूला आराम से। डिसमिल टू बाइनरी, बाइनरी बोरो टू बिट, फिर डिफॉल्ट सबनेट मास्क टू कन्वर्ट इनटू द कस्टम सबनेट मास्क, फिर इंक्रीमेंट बिट्स एंड देन फिर से ब्लॉक साइज, फिर नेटवर्क ऐड, वैलिड ऐड एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्लियर है ना? ओके सर। बताएं। जी सर। डिसमिल टू बाइनरी फॉर्मूला है बताओ। डिसमिल टू बाइनरी करना है, बाइनरी के बाद बोरो टू बिट लेना है। वॉइस बहुत कम आ रही है आपकी। डिसमिल टू बाइनरी करना है सर। ठीक है। बाइनरी से बोरो बिट करना है, बोरो बिट में डालना है, फिर सब उसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क को कन्वर्ट इनटू कस्टम सबनेट मास्क में करना है, फिर इंक्रीमेंट बिट्स को करना है, फिर सर ब्लॉक साइज। फिर ब्लॉक साइज मिलेगा। ब्लॉक साइज से क्या निकालोगे? नेटवर्क एड्रेस, वैलिड आईपी और ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस याद रखना ये चीजें। क्लियर है? यही आपके सबनेटिंग के रूल है। क्लियर है? ओके सर। ठीक है जी सर। फॉर्मूला क्लियर है ना? बस 5 स्टेप का फॉर्मूला है। जी अगर सर, ये 5 स्टेप फॉलो कर लेते हो। ओके सर। अब देखो पहले आपको एक एक स्टेप सिखाता हूँ। जी सर।
डेसिमल को। अब आराम से समझना, पहले मैं आपको सिखाऊंगा चार बिट में करना, कितने बिट में? फोर बिट में करना। फोर बिट में डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। सॉरी, चार बिट का मतलब होता है ये जीरो से तीन तक जाएगा, कितना आएगा? जीरो से थ्री, तीन तक। तो टू की पावर जब जीरो करोगे तो कितना आएगा? वन। जी सर। टू की पावर वन करोगे तो कितना आएगा? टू। टू। टू की पावर टू करोगे तो कितना आएगा? फोर। फोर। टू की पावर थ्री करोगे तो कितना आएगा? एट। एट। तो ये चार वैल्यू आ गई है, तो इनको जी सर आठ चार दो एक। पचास रुपए दिए थे ना। अब याद रखना, जब मैं बोलू जीरो तो उसका मतलब क्या होगा? बिट को क्या करना है? ऑफ। टू पे पावर। जब मैं बोलू वन तो उसको क्या करना है? टू पे पावर। चलो, अगर आपके पास डेसिमल वैल्यू आती है एक तो कौन सी बिट ऑन होगी? जीरो। आठ ऑन होगी क्या? नहीं सर। जीरो। चार। चार पे दो, दो सर। दो पे एक सर। चलो, अगर डेसिमल वैल्यू आती है दो, जीरो जीरो एक जीरो, बढ़िया ना। तीन आ गई तो? तीन आ गई तो सर तो बढ़िया है, चार भी बढ़िया है, दो और एक क्या है? छोटी। तो तीन हो गया ना। अगर पांच आए तो कैसे करोगे बताओ नईम जी? जीरो जीरो जीरो, चार और एक पांच। जब आपको समझ में ना आए वन जीरो तो प्लस कर दो, अगर जैसे छह आते तो प्लस करो। कौन कौन सी ऑन होगी सर? यहाँ पे मिस कर गया सर, फिर से एक बार बताएंगे। यहाँ पे छह को छह प्लस करना है आपको, इन इन संख्याओं से छह बना के दिखाओ बस। फोर बिट्स के लिए जीरो थ्री आपने बोला ना सर, वहां से ये हो जाएगा भाई। चार और दो छह हो गए ना, सात का बना के दिखाओ। सात बनाओ, सात प्लस करके जीरो। नहीं समझा सर, मैं यहाँ पे मिस कर गया। आप ऐसे थोड़ी ना होता है, समझ में नहीं आया अब एक ही दिन में। पहले समझो, सात नंबर बनाना है, प्लस करो ना वैल्यूज को, प्लस करो चार दो छह सात। पूरा समझ में आ गया, ये लास्ट में करो नहीं आ रहा है। पहले आप ध्यान दो क्लास में। जी सर। सात नंबर बनाना है, आठ को ऑन कर सकते हो? आठ बड़ी संख्या है छोटी है? बड़ी है। बड़ी है, आराम से ध्यान दो। चार छोटी है बड़ी है? छोटी है। तो ये ऑन कर दी, सात में से चार गए, कितने बचे? तीन। तीन। दो छोटी है बड़ी है? तीन से छोटी है, तो इसको भी ऑन करो, कितने बचे? एक। एक और एक बराबर हो गए ना, तो ऑन कर दो। चार दो छह और एक सात। चलो अब नौ को बना के दिखाओ। नौ का सर आठ, प्लस करना है सिर्फ, प्लस करके नौ नंबर बना दो भाई। आठ को ऑन करूंगा, चार और दो तो बंद रहेंगे, ज्यादा हो जाएगा। अगर आठ आठ और चार बारह और दो चौदह नहीं हो जाएंगे, तो आठ को ऑन रखा। अब कितनी वैल्यू चाहिए? सिर्फ एक, तो एक को ऑन कर दो, नौ बन गया। आठ और एक नौ। अगर दस बनाना हो तो चार वैल्यू से दस नंबर बना दो। तो सर फिर आठ छोटा हो जाएगा, फिर चार दो छह एक सात, तो जीरो हो जाएगा सर, फिर जीरो। ऐसे कर दूं, आठ और दो दस, चार और एक तो यूज ही नहीं कर पाओगे। नहीं सर। चलो बारह बना के दिखाओ। बारह, आठ चार बारह। हाँ अब आए ना लाइन पे। तेरह पे आओ। तेरह पे सर आ जाएगा आपको चार दो छह सात आठ बारह और एक तेरह हो जाएगा सर। कौन कौन सी ऑन करनी है वो बताओ बस। एट फोर जीरो वन आ गए, पहुंच गई गाड़ी यहाँ तक। फिफ्टीन बनाओ। फिफ्टीन में सर आठ चार बारह, ओके सर सब सब ऑन रहेगा। प्लस थोड़ी तेज करनी पड़ेगी, प्लस माइनस नहीं पढ़ाता हूँ मैं। चार बिट का क्लियर है, सिर्फ प्लस करना सीखना है। चलो अब आठ बिट में देखो, आठ बिट में करके देखो। अब तब तक हवा चल रही थी, अब देखो टू की पावर जीरो, आठ बिट का मतलब जीरो से सात तक ले आना है। कहाँ तक जाना है?
जीरो से सेवन, तो टू की पावर जीरो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स, टू की पावर सेवन, ये चलेगा। okay. तो जीरो का मतलब क्या आएगा, वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर वन ट्वेंटी एट 128. अब इन सभी वैल्यूज को प्रेजेंट करना है, बॉक्स में डाल रहा हूं, देखते रहो, जो सबसे लास्ट वैल्यू उसको उठा लो, 128 जो सबसे हाई है, फिर उससे छोटी 64, ऐसे चलेंगे, ठीक है? ओके, 32 16 8 4 2 1. चलो अब डेसिमल वैल्यू लेके आओ खरीद के, आपके पास डेसिमल वैल्यू भेजने वाला हूं मैं, डेसिमल वैल्यू है 10, बताओ 128 बड़ी है छोटी है? छोटी है सर, बड़ी है। 64 बड़ी है छोटी? बड़ी है सर। 0 32 बड़ी है सर। 0 16 0 8 छोटी है? 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2 2 से 4 बड़ा है छोटा है? बड़ा है। 0 फिर 2 और 2 बराबर हो गए 1, इसको 0 कर दो। अब 12 को करके दिखाओ, 0 0 0 0 8 में से छोटा बड़ा गया, 4 4 0 8 और 4 12 होते हैं भाई। जी सर, मैथ पे ध्यान दो। तो चलो 16 करके दिखाओ, 0 0 0 सोलह सोलह जीरो, सोलह और सोलह बराबर हो गए तो एक करके सबको जीरो कर दो, जीरो मिल गई वैल्यू। तो अब 19 करो, 19 का सर जीरो 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 बड़ी है सर तो वन, कितनी वैल्यू बची 19 में से 16 गए तो 3, हाँ तो 8 बड़ा है छोटा है? छोटा है, जीरो। हाँ जी छोटा है सर, बड़ा है। हाँ चलो बड़ा है। जीरो जीरो जीरो, अब ये 3 से 2 बड़ा है या छोटा है? बड़ा है सर, 3 से 2 छोटा है, कंफ्यूजन है। 1 0। चलो एक और ट्रिक समझाता हूँ, देखो 21 21 बनाना है तो प्लस कर लेते हैं वैल्यूज को, ठीक है? 128 तो बड़ी है, ये तो 0 आ जाएगी, 64 भी 0, 32 भी 0, 16 छोटी है 21 से, तो ऑन कर दिया। अब 16 में कितनी वैल्यू जोड़नी है जो 21 हो जाए? 5। अब 5 निकाल लो यार, 5 तो अब आप देख लो कहां से आएंगे, 8 से आएंगे, 4 से आएंगे, 2 से, 1 से, किससे आएगा? 4 और 1 से। हाँ तो बाकी सबको जीरो कर दो ना भाई, ये लो, डर क्यों रहो। 24 को करो, 0 0 0 16 और 8 24 0 0 0 हो गया जी। 35 को करो आप, जीरो जीरो जीरो, ध्यान से देखो, 32 है ना सर, 32 से 35 3, तो 1 हो जाएगा, फिर आपको 3 से 16 जीरो जीरो, प्लस करना है, प्लस करना है, प्लस 35 बनाना है इन संख्याओं से, बना सकते हैं आप 35? जी सर बनाए, कौन कौन सी बिट ऑन करनी है? 7 8 7 15 15 16 15 16 31, तो बिट ऑन करना है सर। देखो 128 ऑन हो सकती है? नहीं नहीं। 64 नहीं। 32 हाँ हो सकती है भाई, दे सकते 16 ऑन हो सकती है? नहीं नहीं। 8 नहीं, 4 नहीं, नहीं 2 10 1 यस, तो भाई क्यों डर रहे हो? 0 0 1 0 0 0 1 1। चलो 39 करके दिखाओ तेजी से, 0 थोड़ा तेज बोलो, वॉइस डाउन हो गई आपकी। जीरो सर, जीरो जीरो, बी 39 बनाना है ना सर? हाँ 39 प्लस करना है, डरो मत यार, आराम से बनाओ। 16 24 24 28 2 30 31, पहले ऐसी संख्या लो जो बड़ी हो सबसे, बड़ी उसके बाद छोटी को जोड़ना। 36 4 36 2 ओके सर, मैथ की ट्यूशन अलग देता हूँ मैं। 0 0 1 0 0 1 1 1, अब आ गए लाइन पे।
कैसे करा अब पता पता चलेगा। 43 करो, 43 का सर 16 और 32। अच्छा समझ लो 43 रुपीस देने हैं आपको इन संख्याओं में से। हाँ 32 भाई, जीरो वन वाला खेल करना मैं। जी सर 00 32 1 और एक फिर सर 16 0 बत्तीस और 40 जीरो वन 40 फिर 0 1 1। अरे वाह शाबाश, खत्म है क्लास आज की, इतने पढ़ना बहुत हो जाएगा। अब एक वर्कबुक देता हूँ उसको पढ़ना, ठीक है? बस इतनी इतना ही सिखाना था आज के लिए और हो गया है बस, इससे ज्यादा जाएगा भाग जाओगे आप। वर्कबुक दिखा देता हूँ आपको। जी सर, सर ये अभी वाला डाल देंगे अभी वीडियोस तो मैंने शायद शेयर कर रखा है ना फोल्डर आपको, एक पूरा सी सीने का। हाँ सर उसमें तो मिलता है, उसमें से देखते रहा करो ना क्लास के लिए आगे का। हाँ वो देखता हूँ, इसलिए कि आप अगर मेरे टॉपिक पढ़ाना है तो उससे पहले आप पढ़ के बैठे हो वो टॉपिक। ओके सर, दोबारा चाहिए एक और भेज दूंगा फोल्डर, चलो देखो। ओके सर, ये एक बुक है सबनेटिंग की। जी सर, पांच सौ बुक है सबनेटिंग की, ठीक है? इसको पढ़ना है आपको। देखो इसमें पहले आईपी एड्रेस पता चलेंगे, कौन सी क्लास है, प्राइवेट कौन है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है। फिर उसके बाद नीचे जाओ, ये होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। पहले क्या सीखना है, ये बाइनरी टू डेसिमल दे रहा है ना, तो इसी को सीखना पहले। ये आपको डेसिमल टू बाइनरी बहुत जल्दी सिखा देगा, क्योंकि अब आपने कर लिया है, ऐसा नहीं पहले सीख जाते, अभी करने के बाद आया। ये दिखा देता हूँ कैसे करना है। देखो अब आप किसको पकड़ लो, जैसे ये संख्या है सबसे लास्ट, कौन सी है बाइनरी, 128 बंदे, 64 बंदे, 32, 16, 8 बंदे, 4 2 1, ये तीनों को प्लस कर दो, कितने हो गए 7। बस ऐसे सॉल्व कर देना। ओके अब दूसरा पढ़ो, दूसरा सर दिखा देता हूँ। बाइनरी टू डेसिमल करना है अभी बैठ के। ओके सर, बाइनरी टू डेसिमल हो गया, इसके बाद आपको सीखना है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी तो करना सिखाया था ना अभी, जैसे 50 है क्या करोगे, 128, 64, 32 और 16, 48, 0, 0, 32, 16, 48, 2 और 1 हो गया, ऐसे करना है। ओके सर, इसके बाद क्या करना है, एड्रेस क्लास आइडेंटिफिकेशन। चलो ये तो अभी आपको सिखाया था, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, सी क्लास का, बस लिख देना, ऐसे सारे क्वेश्चन कर देना। ओके चलो दूसरा पढ़ो, ये क्या बोल रहा है, नेटवर्क और होस्ट आइडेंटिफाई। यहाँ पे नेटवर्क है, यहाँ पे होस्ट है, ठीक है ना, होस्ट और नेटवर्क। ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, सी क्लास का। तो सी क्लास में कितने नेटवर्क के लिए बिट होते हैं डिफॉल्ट, 3, तो 3 को सर्कल बना दो। ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, सी क्लास का। किसके लिए पूछ रहा है, होस्ट, तो होस्ट के लिए एक सर्कल बना, ऐसे ही सॉल्व कर देना। अब आओ नेक्स्ट पे, रुकना नहीं है गाड़ी को, अभी सॉल्व करके भेजोगे आप मुझे। ये क्या लिखा हुआ है, क्या करके लाना है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क। कौन सी क्लास का एड्रेस है, ये बी क्लास का, 255 255, ऐसे लिख के लाना है, ठीक है, सारे क्वेश्चन डिफॉल्ट सबमिटिंग इज ओके, हो गया, बस इतना ही करना है। चलो चैट बॉक्स देखो, आपके चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ, एक सेकंड रुको, पहले फाइल सेव कर दूँ। ओके इंडिया आते हो आप, जी सर कब आते हो, इंशाल्लाह फैब तक आऊंगा सर, इसमें फैब में आऊंगा, फैब में, जी सर अभी आके गया ना सर, अभी तो बहुत टाइम है। जी सर, कहाँ के रहने वाले हो आप, बिहार के सर। अच्छा जी सर, चलिए चेक करिए, आपकी चैट पे एक बुक भेजिए। जी सर, इसको डाउनलोड